हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द वन वन साबन में। आज हम बात करने वाले हैं जियो वर्सेस वोडाफोन वर्सेस एयरटेल। हम कंपेयर करेंगे इन तीनों नेटवर्क को इनके एक साल वाले प्लान से। एक्चुअली देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि साल भर का रिचार्ज एक बार में कर लेते हैं, जिनको बस कॉलिंग से मतलब होता है, वो अदर चीज़ को बहुत कम यूज़ क्या करते हैं या फिर नहीं करते। तो हम तीनों के 4G नेटवर्क के इस 365 डेज वाले प्लान के बारे में बात करेंगे और आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वाला प्लान बेटर है। और एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके एरिया में जियो का फिलहाल क्या स्थिति है, कैसा आपको स्पीड मिल रहा है, कैसा डाउनलोडिंग स्पीड, कैसा अपलोडिंग स्पीड, आप अगर वीडियोज़ देखते हो तो वहाँ पर आपका क्या स्थिति है, सही से वीडियोज़ चलते हैं कि नहीं चलते, ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो चलो बात करते हैं एक साल वाले प्लान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम जियो से। जियो में साल भर का प्लान जो बेसिक प्लान है वो है 1299 रुपये का। यहाँ पर आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ आपको अनलिमिटेड जियो टू जियो वॉइस कॉल मिलेगा, अदर नेटवर्क में नहीं अनलिमिटेड, ओनली जियो टू जियो। अदर में बात करने के लिए आपको यहाँ पर 12,000 मिनट दिए जा रहे हैं, मतलब 1,000 मिनट आप एक महीने के हिसाब से आपको इन टोटल मिलेगा 12,000 मिनट। जैसे ही ये आपका ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद आपको अलग से टॉप अप वाउचर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इन टोटल 24 GB का डेटा मिलेगा, मतलब 2 GB पर मंथ के हिसाब से आपको मिल रहा है। इन टोटल 24 GB डेटा आपको मिलेगा जो कि हाई स्पीड डेटा होने वाला है। उसके बाद आपको स्लोली स्लोली चलेगा। और इसके साथ साथ जियो का जो ऐप्स है उसका सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आपको पैसे लग रहे हैं 1299, करीबन 1300 रुपये, 365 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है, जो कि सबसे इस लिस्ट में सबसे सस्ता प्लान जियो के द्वारा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एयरटेल के प्लान के बारे में। एयरटेल के प्लान का जो प्राइस है वो है 1498 रुपये, करीब करीब जियो से 200 रुपये ज़्यादा है इसका प्राइस। यहाँ पर आपको 365 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा। जो इस प्लान की सबसे खास बात है वो है अनलिमिटेड वॉइस कॉल। आप किसी से भी कितना भी बात करो, कोई कैपिंग नहीं, कोई नेटवर्क का बाउंडिंग नहीं, आप अनलिमिटेड वॉइस कॉल ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हो, किसी भी नेटवर्क में। आप एयरटेल से जियो में करो, आप एयरटेल से वोडाफोन में करो, आइडिया में करो, आप एयरटेल से BSNL में करो, और तो दूसरा कुछ बचा नहीं, लैंडलाइन में भी कर सकते हो। मतलब हर किसी को अनलिमिटेड आपको वॉइस कॉल मिलेगा, आपको अदर कोई कॉलिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा इस 1498 वाले प्लान में। 365 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, हाई स्पीड यहाँ पर डेटा मिलेगा आपको 24 GB का, उसके बाद फिर वही स्लोली स्लोली चलेगा। और आपको यहाँ पर जो इनका एक्सट्रीम जो ऐप है उनका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। आपको यहाँ पर SMS भी मिल जाते हैं, करीबन 3600 SMS सारे प्लान में आपको मिल जाएंगे, 3600 SMS इन टोटल आपको सारे प्लान में मिलेंगे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और जियो में। इसके बाद जो वोडाफोन का जो प्लान है वो है 1499 रुपये का। आपको यहाँ पर वही 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, इन टोटल 24 GB का डेटा मिलेगा, 3600 SMS मिलेगा, और आपको इनका जो वोडाफोन प्ले ऐप है उनका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। वो ऐसे भी जो अनलिमिटेड प्लान होता है उसमें मिलता ही है, कुछ खास बात नहीं है। इस प्लान का वही खास बात है जो एयरटेल में है, यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा इन ऑल नेटवर्क्स, कोई लिमिट, कोई कैपिंग नहीं है। अब देखो भाई, हमने क्या कहा कि ये प्लान उन लोगों के लिए बेटर है जो कि जस्ट कॉलिंग के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, जो कि एक साल वाले प्लान को देख रहे हैं। तो अगर आप कॉलिंग करते हो, बहुत ज़्यादा कॉलिंग करते हो, तो फिर इस मामले में जियो बेटर नहीं है, क्योंकि अदर नेटवर्क में जहाँ बात करने की यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर जियो पीछे हो जाता है। आपको जस्ट 12,000 मिनट मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अगर अनलिमिटेड बात करना है, रियल टाइम अनलिमिटेड बात करना है, तो आपको यहाँ पर एयरटेल या फिर वोडाफोन को चूज़ करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि भाई हमारा जियो से ज़्यादा बात होगा, हम अदर नेटवर्क में बात ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उस मामले में यहाँ पर जियो बेटर है, क्योंकि जियो 1300 के आसपास हो जा रहा है और उन दोनों में वोडाफोन और आपका एयरटेल में करीब करीब 200 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो आप देखो आपके लिए कौन सा सही है। मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा बात करना चाहो ऑल ओवर इंडिया में, अदर नेटवर्क में आप बात करते हो, तो आप वोडाफोन या फिर एयरटेल को चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक इसे ज़रूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।
Yeah.